Good morning students. In EVS, today our chapter 7. Today we will write question answers of this chapter. Last video में हमने chapter की reading की थी, उसके hard words और word meanings लिखे थे. अभी हम इसके question answers करेंगे. Now let's see. 5 question answers are there. इसमें 5 question answers हैं. मैं आपको इनको read करके बताती हूँ. And you have to write these question answers in your notebook. Okay? क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज विंड. विंड क्या होती है? आपने चैप्टर में पढ़ा था ना, इस चैप्टर में हमने टू थिंग्स के बारे में पढ़ा है, फर्स्ट विंड, सेकंड वाटर. ओके, सो विंड क्या है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. मूविंग एयर, जो धीमे धीमे हवा चलती है, जो हमें थोड़ी थोड़ी फील होती है, दैट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. ओके, क्वेश्चन सेकेंड इज वॉट इज अ स्टॉर्म. स्टॉर्म क्या होता है? स्टॉर्म को वैसे तो हम तूफान बोलते हैं, लेकिन इसका आंसर है स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म. स्ट्रॉन्ग विंड, जो बहुत जोरों से हवा चलती है, दैट विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म. ओके, क्वेश्चन थर्ड इज हाउ डू फिश ब्रीथ. फिश जो होती हैं, वो कैसे ब्रीथ करती हैं? वो सांस कैसे लेती हैं? आंसर इज फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स. फिश में जो गिल्स होते हैं, उनका जो एक बॉडी पार्ट होता है गिल्स, उनके थ्रू वो ब्रीथ करती हैं. जैसे हम अपने नोज के थ्रू ब्रीथ करते हैं, ऐसे ही फिश जो है गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं, सांस लेती हैं. ओके, क्वेश्चन फोर इज नेम टू सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर. सरफेस वाटर, मैंने आपको बताया था ना, जो बारिश का पानी धरती के ऊपर जमा हो जाता है, कलेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सरफेस वाटर. तो सरफेस वाटर के टू सोर्सेज कौन से हैं जहां सरफेस वाटर कलेक्ट होता है? सो नंबर वन पॉन्ड, नंबर टू रिवर. हेयर मैनी ऑप्शंस आर देयर, लाइक लेक्स, ओशियंस, सीज. ओके, ऑल दीज आर वाटर बॉडीज और सरफेस वाटर इन्हीं में कलेक्ट होता है. ठीक है, तो यहाँ आप पॉन्ड और रिवर की जगह सी, ओशियंस भी लिख सकते हैं. क्वेश्चन फाइव इज हाउ इज टैप वाटर क्लीन. जो टैप वाटर होता है हमारे घरों में, जो टैप से पानी आता है, उसको क्लीन कैसे कर सकते हैं, उसको पीने के लायक कैसे बना सकते हैं? बाय बॉइलिंग और फिल्टरिंग. बाय बॉइलिंग, बॉइलिंग मीन्स उसको उबाल कर, उसको बहुत ज्यादा उबाल कर, गर्म करके, या फिर उसको फिल्टरिंग करके. फिल्टरिंग क्या होता है? जैसे आप सब लोगों के घर में आरओज लगे हुए हैं ना, आरओ से वाटर फिल्टर होता है, वाटर क्लीन होता है. ठीक है, तो ये दो मेथड्स हैं वाटर को क्लीन करने के, बाय बॉइलिंग और फिल्टरिंग. ओके, नाउ दीज आर 5 क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक इन नीट एंड क्लीन वे. एंड वन मोर थिंग, आपने देखा हर क्वेश्चन के बाद, सॉरी आंसर के बाद, मैंने पार्टीशन लाइन लगाई हुई है. आपको भी ये लाइन लगानी है. इससे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन आंसर का एक एक सेट हमें सेपरेट दिख जाता है और वो लर्न करने में हमें इजी होता है. नेक्स्ट थिंग, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल. ओके, एंड लास्ट में अगर सेंटेंस सिंपल है तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे, और अगर क्वेश्चन है तो लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क. सो रिमेम्बर दीज थिंग्स, हर सेंटेंस की स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होनी चाहिए और लास्ट में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए. यहां देखो, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद मैंने फुल स्टॉप लगाया हुआ है. एंड यस, मैंने यहां ये जो पार्टीशन लाइन दी हुई है, ये आपको नहीं ड्रॉ करनी है. मेरा बोर्ड का साइज इतना है तो सारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ नहीं आ पाते, इसलिए मैंने मेरा दूसरा पेज बनाया है. जैसे आपके नोटबुक में पेज होता है, एक पेज ये और एक दूसरी साइड, ऐसे ही मैंने ये सेकंड पेज बनाया है मेरा. तो आप अपनी नोटबुक में कंटिन्यू वन लाइन में लिखते जाना, जब तक आपकी वन लाइन कंप्लीट नहीं हो जाती है आपको लिखते रहना है. और जब आपकी लाइन, आपका पेज यहाँ आपकी लाइन कम्प्लीट हो जाती है, देन यू हैव टू राइट इन नेक्स्ट लाइन. ओके, सो राइट दीज क्वेश्चन आंसर्स एंड लर्न ऑल्सो. थैंक यू.